आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। राजधानी लखनऊ में एक युवती के रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या से पहले युवती के शरीर को कई जगह धारदार हथियार से गोदा है, उसके बाद दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारे फरार है, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। शुरुआती पड़ताल में अभी युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के साथ ग्रामीणों ने भी आशंका जताई है कि युवती की हत्या से पहले उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करती ये खबर सामने आई है, जहां एक युवती की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये एरिया थाना सरोजिनी नगर का भी पर्सन जगह है। यहाँ पे सुबह गांव की सूचना से पता चला कि कोई 20-22 साल की महिला की जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर पुलिस अपनी टीम के साथ आई, पता चला उस महिला की डेथ हो चुकी है। महिला ब्लैक कलर की जींस का पैंट और ब्लैकिश कलर का टी शर्ट पहनी हुई थी, जिनकी शिनाख्त लोकल गांव वाले से करने की प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। उन लोग पूरे घटनास्थल को सिक्योर करते हुए अपने एविडेंसेस भी कलेक्ट कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना अंतर्गत में पीपल सिंह रोड के पास ही जंगल के में एक महिला की लाश मिली थी, जहाँ पे कुछ गाँव वालों ने देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके से पुलिस यहाँ मौजूद है, छानबीन कर रही है। और आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पे वो लाश मिली थी। और हालांकि अभी कोई जानकारी जो है महिला के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि 18 से 20 साल की महिला है, उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ भी नहीं था। और कहने देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो भी ये घटना के लोग हैं वो कब पकड़े जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से तो आपने देखा कि किस तरह से एक लखनऊ के जैसे शहर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। उच्चतम भारत की ओर अग्रसर है क्या हम, ये सवाल एक बार फिर उजागर हो जाता है जब इस तरह की घटना सामने आती है। हालांकि युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के पहले दुष्कर्म की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि शिनाख्त हो सके, क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल तक युवती के पास से कोई प्रमाण पत्र या उसकी पहचान का कोई पत्र बरामद नहीं हुआ है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर ऐसी ही घटना इंसानियत को शर्मसार करती हुई युवती के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है? हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका भरपूर तरीके से लगाई जा रही है। कीर्ति, क्योंकि जिस जगह पर युवती की लाश मिली है उस जगह संघर्ष के निशान काफी ज्यादा है, खून का रक्त रिसाव जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उसने मरने से पहले अपनी जिद्दोजहद, अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो दुश्मन थे उसके, जो हत्यारे थे, उनसे काफी संघर्ष किया है। सरोजी नगर इलाके का पीपरसंड इलाका है, जो पीपरसंड रोड है जो बंसरा की ओर जाती है, उसी क्षेत्र में नवोदय विद्यालय है और उसी से तकरीबन 200 मीटर दूर युवती का सवेरे शव मिला है। मौके पर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड के साथ साथ बड़े पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन युवती की शिनाख्त नहीं हो पाए, क्योंकि उसके आसपास किसी भी तरीके का ना तो कोई परिचय पत्र मिला है, ना कोई किसी भी तरीके की उसकी शिनाख्त कर देने वाली कोई चीज मिली है। फिलहाल पुलिस के अफसर हर थाने क्षेत्र के जो गुमशुदगी रजिस्टर को है उसको क्रॉस चेक करवा रहे हैं, आसपास के जिलों को भी क्रॉस चेक करवा रहे हैं कि आखिरकार वहां से कोई लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट हाल ही के 2-3 दिनों में तो नहीं आई है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि वो जो लड़की है उसकी शिनाख्त की जाए, ताकि उसकी लोकेशन से लेकर के लखनऊ तक की वो कैसे आई, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसकी हत्या की है और उनका मकसद क्या था, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ग्रामीणों ने इस बात को जताया है कि जिस तरीके से युवती के संघर्ष होने के वहां पर जो साक्ष्य वहां पर मिले हैं, ये उस बात को बयां कर रहे हैं कि शायद उसके साथ उसके से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बात का अभी कोई खुलासा हुआ है कि किस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, घटना तो महत्वपूर्ण तभी एक साक्ष्य निकल करके आ पाएगा जब पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होगा कि उसकी हत्या किस वजह से हुई, कितने बजे हुई और उसकी हत्या से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन आज सवेरे उसकी लाश सरोजिनी नगर के पीपरसन रोड पर मिली है, तो सुबह की जो लाश मिली है और खून के जो ये कहा जाएगा कि कलेक्शन हुआ है उसमें
पुलिस से बता रहा है कि बहुत ज्यादा देर पहले नहीं मर्डर, तकरीबन ये रात में मर्डर हुआ है। इस लाश को यहाँ पर लाकर फेंका गया है, यहाँ पर यहीं पर उसका मर्डर हुआ है। इस बात को इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन लखनऊ के अंदर इस तरीके की घटना होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पुलिस नगर जैसा इलाका जिसके आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके पास में ही इस युवती का शव मिला, तो सरोजनी नगर ऐसा इलाका जहां पर पुलिस गश्त करती रहती है, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, केंद्रीय राजधानी लखनऊ है और यहां से महिला सुरक्षा के दावे जो है वो किए जाते हैं और तमाम तरीके की मुहिम उत्तर प्रदेश पुलिस के और बाल विकास महिला कल्याण निगम के लोग भी चलाते हैं बड़े अवसर, और ऐसे में अगर लखनऊ के अंदर किसी हत्या कर दी जाती है और हत्या से पहले उसके साथ अगर दुष्कर्म होता है तो मैसेज कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुत गलत जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें साफ हो पाएंगी कि युवती की हत्या किस तरीके से हुई, उसके साथ हत्या से पहले क्या हुआ, क्योंकि जो एंटीमार्टम इंजरीज दिखाई पड़ रही है प्राइमा फेसी पुलिस के अधिकारी की तरफ से कहा गया, तो ये कहा गया है कि उसके साथ संघर्ष हुआ है, यानी कि उसके कुछ कुछ जगह चोट के निशान है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का केंद्र इंतजार करना होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मौत की वजह, उसके मौत का समय, ये सारी चीजें सामने आ पाएंगी, लेकिन सबसे पहले उसकी शिनाख्त होना भी जरूरी है। शिनाख्त नहीं होने के बाद 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले शिनाख्त की कार्रवाई पुलिस के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी इसी चीज को लेकर चल रही, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि राजधानी लखनऊ जैसे जनपद में इस तरह की वारदात हो जाती है और फिर हम किस तरह से आशा करें कि उत्तर प्रदेश उच्चतम प्रदेश की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने बड़ी खबर आपको बताई कि राजधानी लखनऊ के एक जनपद जहां पर लगातार महिला सुरक्षा की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन सरोजनी नगर जैसे इलाके क्या हम आपको नाम ले रहे हैं, सरोजनी नगर के पास का ये इलाका है जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सवाल यही उठता है कि सरोजनी नगर जहां पुलिस लगातार इस समय कोरोना काल होने के बावजूद भी गश्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि इसके बावजूद इस तरह की घटना क्यों हो जाती है। बढ़ते आगे, राजधानी लखनऊ में गैर जनपद की गाड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कहीं ना कहीं गैर जनपद की गाड़ियां आतंक मचा रही हैं, ऐसा ही मामला लखनऊ के निवासगंज से सामने आया है, जहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को गैर जनपद की गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद नशे में धुत चालक मौके से फरार हो गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में कैद हो गया है। टाटा टिगोर गाड़ी की जब डिटेल निकाली गई तो सामने आया कि गाड़ी नंबर UP47U7860 बलरामपुर जिले के शादाब यूनुस के नाम पर रजिस्टर है। बड़ी बात यह है कि आरोपी चालक बहुत तेजी से मौके से फरार हुआ। अब वो किसी बड़े हादसे को नहीं अंजाम दे सकता था। बता दें कि लंबे समय से गैर जनपद की गाड़ियों का आतंक राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। अलीगढ़ में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते घर में घुसकर 9 माह की गर्भवती महिला व अन्य महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में गर्भवती महिला व अन्य महिलाओं की गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी CSC में उपचार के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या धाम में प्राचीन राम जानकी खटला मंदिर के पुजारी को जहरीला पदार्थ खिलाकर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आया है। हड़कंप मच गया, आपको बता दें इस खबर के बाद, कोतवाली क्षेत्र हनुमान कुंड के पास स्थित राम जानकी खटला मंदिर में पुजारी मुरारी पांडे को पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद रात में लाखों रुपए सहित जरूरी कागजात उठाकर चोर फरार हो गए, लेकिन मंदिर का दरवाजा ना खोल पाने के कारण भगवान के गर्भगृह में रखे सामान सुरक्षित रहे। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो यहाँ पर पुजारी जी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया, उनसे बात किया और बात करने के बाद नीम का पाती और हल्दी मंगाया एक छोटा सा बच्चा से, और मंगा करके हमसे बोला कि इसको खौला कर लाओ, यानी कि गर्म करके लाओ। मैं उसको गर्म करके लाया, उसने बोला इसको ढक दीजिए, तो मैंने वहीं ढक दिया बरामदे में रख करके,
और इसके बाद उसने बुला करके और फिर बोला हम भोजन वोजन सब लोग किए साथ में, वही भी यहाँ पर भोजन किया था। भोजन करने के बाद में फिर बोला ना कि हल्दी और ओ तेल लिया था, कोई पता नहीं क्या कुछ लिया था, उसको नहीं मालूम। फिर पुजारी जी के रूम में गया, वो इसी रूम में अंदर गया और अंदर से गेट बंद हो गई है। मैंने 2-3 बार बरामदे में आया, क्यों गेट बंद हुआ कि रूम बंद था। जो मैंने रूम खोला तो देखे कि पुजारी जी लेटे हुए थे, एक पैर नीचे चौकी से गिरा हुआ था और सामान ऐसे सब खुला। कौशाम्बी जिले में पुलिस ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने विपक्षी को फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने षड्यंत्र रचने वालों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अपर अधीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि गांव के ही रहने वाले युवक की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तमंचा और गांजा बरामद किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है, जहाँ से सभी को जेल भेज दिया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम किशनपुर अंबारी थाना सराय कील के कैंडिडेट के पति, जो कैंडिडेट महिला थी, उनके पति गोमांस में जेल गए थे, जो आज अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे संबंधित थे, उनका भाई है उसमें। उनको ये शक था कि किसी एक व्यक्ति ने, जो कैंडिडेट था, उसने इनके भाई को पकड़वाया था, उसको फंसाने के लिए इन्होंने उसकी गाड़ी में गांजा और उसके घर में 2 कट्टे रखवा दिए थे। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों का दिमाग स्ट्राइक किया कि ये जिस तरह की स्थिति में पाया गया है, ऐसे सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। इसकी पूछताछ की गई, जांच की गई तो पाया गया कि इन लोगों द्वारा प्लांट किया गया था, इस पे आज इनकी गिरफ्तारी। जनपद आजमगढ़ में मोहम्मदपुर से लेकर बिंद्रा बाजार की सड़क पिछले 2 वर्षों से अपनी दुर्दशा का आलम झेल रही है। सड़कें इतनी खराब हो गई है कि इस पर आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है, अक्सर लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। खराब सड़क का असर व्यापार पर दिखने लगा है, बरसात के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाता है और छोटी बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं, साइकिल सवार दोपहिया सवार गड्ढे में गिर जाकर चोटिल हो जाते हैं। इस मार्ग का निरीक्षण आजमगढ़ मंडल आयुक्त द्वारा किया गया था, उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचआई दोनों विभागों ने इस मार्ग से अपना पल्ला झाड़ लिया था, जिस पर मंडलायुक्त द्वारा जांच बैठाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये मार्ग किस विभाग के अंतर्गत आता है और कौन इसे बनवाएगा। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब भी आए यहाँ पे देखे और उसका कोई निवारण नहीं हुआ। यहाँ आए दिन हर कोई, जैसे किसी का टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी लेके गिर जाता पूरा परिवार सहित, किसी का हाथ पैर टूट गया। लगभग 2 साल से यहाँ की जनता पूरी परेशान है, यहाँ के बाजार सब खत्म हो गए, सब गाड़ियाँ बाहर बाहर जा रही है, जो नहीं जानते हैं वो सीमा के फंस जाते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति। जनपद संभल बहजोई विकासखंड के गांव गेहूं क्रय केंद्र सेंटर मलहेटा पर किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ किसान के साथ गलत प्रभारी ने गलत व्यवहार किया। किसान से क्रय केंद्र प्रभारी ने कहा कि मैंने जो आपसे कमीशन ली वो कमीशन जिले के उच्च अधिकारियों तक जाता है, पर क्रय केंद्र प्रभारी से इस बारे में पूछा गया तो बाद में उन्होंने बताया कि तय तारीख में किसान नहीं गेहूं लेने आया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करना पड़ा। इसका मैटर ये है कि हमारी टोकिंग 13 तारीख 5 महीने 2021 की थी, इन्होंने टोकिंग के बाद कम से कम मेरे लिए 10 दिन चक्कर लगवाए यहाँ कुछ कम के अनुसार, तो चक्कर काटते काटते मैं इतना ट्रॉली भर के ले गया कि वहाँ खड़े कर दिए। मैंने सभी अधिकारियों से शिकायत की, शिकायत करने के बाद मेरे गेहूँ फिर भी न तोले गए। शाम को जब मैंने ज़्यादा रिक्वेस्ट उनकी हजूरी खुशामद की तो उन्होंने 100 रुपये क्विंटल का खर्चा बताया मुझे, और 100 क्विंटल का खर्चा बताने के अनुसार मैंने उनके लिए 7,000 रुपये दे दिए, 3,000 रुपये शेष बकाया रहेगा। उनके पीछे मेरा ये विवाद चालू हो गया। गेहूँ कितना तुलवाया था? गेहूँ था मेरा 100 क्विंटल 25 किलो। अच्छा, उसमें से 99 क्विंटल गेहूँ मेरे चढ़ाए, 1 क्विंटल 25 किलो गेहूँ भी रोक लिए गए। वो किस कारण रोके गए? वो बता रहे हैं कि हमारी अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर अब सरकार की नजर है। हिस्ट्री शीट और अपराधियों की सूची बनाकर पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने में जुट गई है। इसी क्रम में जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर जिलाधिकारी अमर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गौतम ने थाना बिछवा में शराब के एक मुकदमे में जेल से निरुद्ध चल रहे थाना अधिरोर मुस्लिमीन निवासी अरमान अली पुत्र कौशर
अली की करीब 45 लाख की संपत्ति पर बोर्ड लगाकर सरकारी संपत्ति होने की पुष्टि एवं कुर्क करने की कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार गिरोर नरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पहलवान सिंह मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह ने बताया कि थाना धिरोर के मुस्लिमीन निवासी शशिटर अरमान अली पुत्र कौशल अली के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह जो भी अपराधी है जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है सभी की संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। थाना भोगांव द्वारा गिरोह के एक बहुत बड़े शराब अपराधी अरमान कौशल, इसके ऊपर 30 बहुत ही संगीन मुकदमे हैं। इन मुकदमों में गैंगस्टर हुआ था, गैंगस्टर के तहत इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, जिसमें लगभग 45 लाख की संपत्ति इनकी प्रकाश में आई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश हो चुका है, उसी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र में देर रात विवाहिता को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों के मुताबिक महिला ने पति से विवाद के बाद खुद को गोली मार दी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। आजमगढ़ में सैकड़ों की संख्या में बने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए यहां के शहर कोतवाली के मोहल्ला फराज टोला में स्थित एक देसी शराब का ठेका, जहां पर शराब खरीदने वालों की भीड़ जमा हो गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रास्ते पर जाम लग गया। ताजुब तो इस बात का है कि ना आबकारी को विभाग को इस बात की खबर है, ना ही ठेके से चंद कदम की दूरी पर चौक पर रहने वाली पुलिस को लगी। एक तरफ तो सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की है, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जाने वाली शराब के शौकीनों के लिए लगता है कि कोई भी नियम नहीं बना है। जिला मैनपुरी ग्राम पंचायतों में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार देने के लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन उस पैसे को रोजगार सेवक द्वारा हड़प लिया जाता है। मामला बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौदापुर व कांसेपुर का है, जहां रोजगार सेवक विजय कुमार के द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों के खाते में आने वाले पैसे का गबन करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को लिखित पत्र के जरिए विमला देवी खंड विकास अधिकारी को मामले को संज्ञान में लेते हुए रोजगार सेवक विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।